लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत कांटी थाना दुर्गा पूजा त्योहार को शांति सद्भाव एवं सौहार्द पूर्ण मनाने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति सदस्यों के साथ कांटी भाना प्रभारी संजय कुमार एवं प्रखंड विजय कुमार ठाकुर, विकास पदाधिकारियों CEO चंद्रशेखर, राज प्रशासन ने कांटी भाना सभागार में बैठक की। प्रखंड विकास विजय कुमार ने कहा कि यह कांटी प्रखंड क्षेत्र हमेशा से आपसी प्रेम एवं भाईचारे का मिसाल बना है। आपके सहयोग एवं समन्वय से हर वर्ष की भांति इस साल भी यह पर्व उल्लासपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। पुलिस थाना प्रभारी श्री संजय कुमार सिंह ने सभी को शांति एवं सौहार्द के साथ पूर्व मनाने की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी, अफवाहों पर पैनी दृष्टि के साथ चैकसी बरती जाएगी, पुलिस की QRT टीम सक्रिय रहेगी, बाइक से भी पेट्रोलिंग किया जाएगा। कांची थाना प्रभारी ने स्पष्ट कहा कि सभी दुर्गा पूजा कमेटी को आदेश दिया गया कि DJ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, रूट चार्ट और समय का अक्षरशः पालन करने का निर्देश समिति को दिया जाएगा। सभी पंडाल समिति अनिवार्य रूप से अग्निशामक और CCTV लगाएंगे। अस्थायी रूप से विद्युत कनेक्शन लेने पर ही उन्हें अनुज्ञप्ति दी जाएगी। समिति के सदस्यों ने साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, चलंत शौचालय, यातायात प्रबंधन के संबंध में कई सुझाव दिए। उक्त बातों का अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। बैठक में सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं मुखिया अनवर आजाद, हबीबुर रहमान उर्फ बबलू इरफान, दिलकश जिला परिषद पूजा कमेटी लोग मौजूद रहे और उपस्थित थे। परवेज आलम, जिला चीफ, मुजफ्फरपुर। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ बैठक में ये शांति समिति की बैठक? तो निर्णय ये लिया गया कि चूंकि बरसात के समय में ये होता है और पूजा तो समय पर होगा ही, जिसमें आपको 2 तारीख के सप्तमी स्टार्ट होता है, उस समय मेला में भीड़ होगा। तो सभी जो पूजा समिति के अध्यक्ष लोगों को बताया गया है कि अपना वो लोग कमेटी तैयार करें ताकि असामाजिक तत्व पर नज़र रखा जा सके, ताकि मेला में छेड़छाड़ और स्नैचिंग वगैरह का कांड नहीं हो। दूसरा है कि अष्टमी और नवमी को जो सुबह में माता बहन के द्वारा जो वहाँ पर पूजा का भरा जाता है, उस समय भी जो है सो कि उस पर फोकस रखना है, ध्यान रखना है, ताकि किसी तरह का अप्रिय घटना नहीं हो। और 5 तारीख से सभी लोग से अनुरोध ये किया गया कि 5 तारीख को भसान लोग विजयदशमी दिन के करें और शाम अंधेरा होने से पूर्व भसान करें। जो भसान का जो रूट चार्ट है वो लोग उसको उपलब्ध कराएं ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, और उसको गार्जियनशिप के रूप में बच्चों के ऊपर नहीं छोड़े। जो भी पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष है, कमेटी अपना बना के भसान में साथ में जाकर उसका भसान करवाए। और चूंकि पानी कहीं कहीं गहरा है, उस पर भी ध्यान रख के वहाँ लाइट का व्यवस्था करके लोग अपना भसान। संवेदनशील जगहों पे किस तरह की सर मुहैया रहेगी? वो संवेदनशील जगह पर है जो भी हम लोग का पुलिस प्रशासन और साथ में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाती है और की जाएगी, और उस पर हम लोग अपनी तरफ से पूरी नजर रखेंगे। DJ पर सर प्रतिबंध? DJ पर बिल्कुल प्रतिबंध है। DJ पर अगर पकड़े जाएंगे तो उस पर 107 की कार्रवाई जब्त करके 107 की कार्रवाई की जाएगी।